के लिए इस व्रत को कंटिन्यू करती आई हैं। तो आज ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई है, महाभारत काल से शुरू हुई है। महाभारत काल से ये परंपरा शुरू हुई थी। अब इस वक्त हर इंसान का ये मानना है कि ये व्रत हर स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करेंगी और उससे उनके पति की उम्र जो है वो बढ़ती रहेगी और साथ में उनका अखंड सौभाग्य जो है और मन जो है कुशलता से कुशल रहेगा। तो ये दोस्तों इसलिए मनाया गया था करवा चौथ। और ये फेस्टिवल हमारे भारत में, पूरे भारत में बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। और ये व्रत फिर भी मैं आपको एक बार याद करा दूं, ये करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा और शाम को सूरज का समय जो है चंद्रयान का शाम को समय जो है वो 8:26 पर है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और आप अपना अपना फैमिलीज परिवार सबको कुशल मंगल के लिए, उनकी कुशलता के लिए आप हमेशा अपने धर्म पर चलें, धर्म से जुड़े रहें, धर्म के साथ बने रहें, तो किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी कभी आपके कदमों में नहीं आएगी। और आप हमेशा सत्य के साथ चलें, सत्यवादी बने। दुनिया की चाहे कितनी कठिनाइयां, कितनी मुश्किलें यहाँ पर आ जाएं, लेकिन आप अपने सत्य को ना छोड़ें, आप अपने सत्य को ना भूलें। सत्य ही सबसे बड़ी जीत है, सत्य ही सबसे बड़ा अल्फाज है। और इस सत्य के साथ अगर हम चल रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें किसी से भी डरा नहीं सकती। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, मैं इसलिए छत पर आया था कि साथ में आपको थोड़ा सा लाइव दिखा दूँ और साथ ही साथ में एक एज ए ड्यूटी तौर पर मैं चारों ओर ध्यान रख सकूँ कि कौन से एरिया में क्या चल रहा है और कौन से एरिया में क्या नहीं चल रहा है। ये एक सुपरविज़न के तौर पर ये दोनों चीज़ें, एक तो मेरा लाइव आना और दूसरी मेरे सुपरविज़न भी साथ में, ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं आज आप दोस्तों से मिलकर बस इतना खुश हूँ कि आपकी सपोर्ट और आपका साथ मेरे हमेशा साथ रहता है, हमेशा आप साथ रहते हो, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों गुड बाय, और कुछ ही देर के बाद आपको फिर मिलेंगे माता रानी के मंदिर के आगे, वो भी पूजा पाठ के साथ। और आप सारे बैठकर मेरे साथ पूजा पाठ करेंगे, सारे माता रानी का नाम लेंगे और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप मेरी सपोर्ट करेंगे, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा और मैं माता रानी से सबके लिए कामना मांगूँगा और आपको भी माता रानी ढेर सारी शुभकामनाएँ देगी। और सब मिलकर माँ की भेंटें गाएंगे, आरतियाँ करेंगे और जयकारे लगाएंगे। तो दोस्तों कुछ ही देर के बाद आप फिर हाजिर हो जाइएगा। पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि आप मेरे सारे दोस्त मित्र भाई बहनें जितने भी हैं, आप सब दिन में 2-3 बार मुझे नोटिफाई कर लें कि मैं दिन में 2-3 बार हमेशा लाइव आता हूँ माँ के मंदिर के आगे। और बीच में अगर समय मिलता है तो मैं आपको कुछ और नया दिखाने के लिए और आपसे बात करने के लिए पर्सनली वो भी मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। तो ये सारी चीज़ें, सारे बातें, ये एक अपना पार्ट है और हमारी लाइफ का पार्ट है। और हम कुछ भी करने से पहले सबसे पहले अपने इष्ट देवों को, भगवान को सबसे पहले मानते हैं, उसके बाद ही हमारे कार्य शुरू होते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और यहाँ का माहौल, क्लाइमेट और मौसम की क्लैरिटी आपको कैसी लगी, सबसे पहले आप ये बताएं वीडियो में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप हमेशा बने रहें, जब जब लाइव आऊँ तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। आपका प्यार, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों अभी बस थोड़ी देर के लिए आपसे विदा चाहता हूँ और उसके बाद
थोड़ी देर के बाद।